बैठ नहीं सकते, कैसे बैठ सकते हैं आप? देखिए ना हेडरूम दिख रहे हैं, दोनों भाई को अंडर में भी बहुत होता है। ये स्पेस थोड़ा सा कम है दूसरे कोच में, ये स्पेस थोड़ा। सो अभी रात के बज रहे हैं 10:10 और अभी फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज के होटल सन सिटी में। होटल सन सिटी पड़ता है लीडर रोड में, जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर के दूरी पे है। कल से मैं इस होटल में स्टे कर रहा हूँ और ये होटल मुझे काफी अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो लीडर रोड में है होटल सन सिटी, वहां पर एक बार स्टे कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा भाई। तो चलिए 11:10 में अपनी ट्रेन है, तो चलिए चलते हैं स्टेशन पे और वहां पे आपसे मुलाकात करते हैं। तो हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02403 प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना रात 11:10 पे प्रयागराज से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 12:10 पे जयपुर पहुंचाती है। तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 13 हॉल्ट के साथ 13 घंटा में। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और कुछ ही देर में अपनी प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस आने वाली है और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 3rd AC इकोनॉमी कोच में और आज अपना कोच है M2 और सीट है 71 साइड लोअर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और आज अपनी कोच है M2 और बर्थ है 71 साइड लोअर। ये रही अपनी बर्थ 71। तो सबसे पहले तो लगेज को रखते हैं। तो अब आप लोगों को क्या देखना है वो मुझे पता है, आप लोग इंटीरियर देखना चाहते हैं ना 3rd AC इकोनॉमी क्लास का। तो आप सभी के लिए हमने दिन के उजाले में 3rd AC इकोनॉमी क्लास का इंटीरियर शूट किया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर। अंदर जाने से पहले आप पहले गेट देख लीजिए, जो गेट जो है ना, गेट की चौड़ाई को बढ़ाया गया है दूसरे कोच के अकॉर्डिंग। इसका जो है ना गेट थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो गेट के अंदर आते ही सामने मिलेगा आपको इमरजेंसी हैमर। इस हैमर की मदद से किसी भी इमरजेंसी में आप ग्लास को ब्रेक करके बाहर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। और वॉशरूम देखिए, वॉशरूम में जाने से पहले सामने मिरर है और ये देखिए वाटर डिस्पेंसर। और ये जो वाटर डिस्पेंसर है ना, ये फुट ऑपरेटेड है। इसे आप देखिए नीचे देख सकते हैं, ये लीवर है, इसे आपको प्रेस करना है। ये देखिए ये फुट ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसर है, जो कि काफी अच्छी बात है इस सिचुएशन में, कोविड में ये चीज तो होना मांगता है। और ये देखिए ये रहा सामने डस्टबिन और एक्सटिंग्विशर। देखिए इधर रखा हुआ है एक्सटिंग्विशर, इधर भी डस्टबिन रखा हुआ है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वॉशरूम में। इधर है वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम और इधर है इंडियन स्टाइल वॉशरूम। तो चलते हैं सबसे पहले वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में और वॉशरूम में जैसे ही आप आते हैं तो देखिए सामने मिरर, ऊपर लाइट और इधर देखिए सोप होल्डर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए फिर से वाटर डिस्पेंसर, ये भी वाटर डिस्पेंसर जो है फुट ऑपरेटेड है, इसका लीवर यहाँ पे है, इसे आप प्रेस कीजिए। ये देखिए और ये रहा लिक्विड सोप। वॉशरूम का इंटीरियर भी काफी अच्छा है। चलिए अब चलते हैं अपने कोच में और कोच का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये जो गेट है ना, ये स्लाइड गेट है, इसे आप स्लाइड कीजिए और उसके बाद आप अंदर आइए। और अंदर आते ही आप देखिए इंटीरियर देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए तो कोच के अंदर आते ही देखिए सामने आपको दिखेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके ऊपर आपको दिखेगा वॉशरूम इंगेजिंग इंडिकेटर, साथ ही देखिए CCTV कैमरा लगा हुआ है हर कोच में। और ये देखिए ये रहा स्मोक डिटेक्टर। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो देखिए इधर आपको मिरर दिखेगा जैसे कि नॉर्मल कोचों में होता है, साथ ही ये देखिए रोलर ब्लाइंड सनलाइट प्रोटेक्शन के लिए। और ये देखिए ये नए डिजाइन का इसमें होल्डर दिया गया है इस कोच में। और साथ ही ये देखिए ये जो ग्रिल होल्डर पहले हुआ करता था, इसके जगह ग्रिल को हटा के अब यहाँ लगा दिया गया फाइबर। तो इससे क्या होगा, कोई भी चीज अगर आप रखेंगे तो वो नीचे गिरेगा नहीं। पहले इसमें ग्रिल होता था, अब हटा के लगा दिया गया फाइबर। और इधर देखिए बोतल होल्डर भी नए डिजाइन का है। ये देखिए
इसमें आप बोतल को होल्ड कर सकते हैं, एक इधर दिया गया है और एक इधर दिया गया है। हर बर्थ पे इस तरह का दिया गया है बोतल होल्डर। और साथ ही चार्जिंग के लिए देखिए एक नया चीज दिया गया है, केबल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप केबल लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल रखने के लिए भी होल्डर दिया गया है। ये देखिए सभी बर्थ पे होल्डर भी दिया गया है और लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए भी यहाँ दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है। और देखिए नीचे देखिए ये टेबल जो दिया गया है ना, ब्रेकफास्ट टेबल, ये इसका फिनिशिंग भी काफी बढ़िया है, मार्बल फिनिशिंग है। और साथ ही यहाँ पे भी होल्डर दिया गया है, ये देखिए, तो ये सही है, ये देखिए। लेकिन इसकी क्वालिटी ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी सही है, चल सकता है अगर अच्छी तरीके से इसे मेंटेन किया जाए तो। अब वो तो डिपेंड करता है पैसेंजर पे। पहले नीचे बोतल होल्डर हुआ करता था, उसे हटा के अब साइड में दे दिया गया है, इधर अब देख सकते हैं। और साथ ही ये देखिए रीडिंग लाइट, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये है एसी वेंट जो कि बिल्कुल नए डिजाइन का दिया गया। इससे पहले हमने किसी भी ट्रेन में इस तरह का एसी वेंट नहीं देखा है। और साथ ही लाइट भी जो है ना, ये भी बिल्कुल नया डिजाइन का, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं लाइटिंग पैनल देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। ये तो एसी वेंट है ही, इसके अलावा भी आपको पर्सनल एसी वेंट भी दिया गया है। ये देखिए हर बर्थ के लिए दिया गया है, ये देख रहे हैं, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का सीट। सीट देखिए, सीट तो कंफर्टेबल है, इसके अंदर पीओ फोम यूज किया गया है और पीओ फोम एक ऐसा फोम है जो कि काफी कंफर्टेबल होता है, इसमें स्वेट वगैरह नहीं आता है। और अभी जितनी भी ट्रेन आ रही है ना, सब में नई नई जो ट्रेन आ रही है, नई कोच आ रही है, सब में पीओ फोम यूज किया जा रहा है। लेकिन इस सीट का जो थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का जो है, इसका जो चौड़ाई जो है ना सीट का, थोड़ा मुझे कम लगा, लंबाई भी थोड़ा सा कम है। लेकिन देखिए दो आदमी इजिली अगर यहाँ बैठ गया, एक आदमी यहाँ बैठेगा एक आदमी इधर बैठेगा, तो पैर मेरे समझ से नहीं टकराना चाहिए। स्पेस है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो स्पेस है ना ये स्पेस थोड़ा सा कम है। दूसरे कोच में ये स्पेस थोड़ा ज्यादा रहता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, आप देख सकते हैं, वीडियो में देख के आपको पता चल गया होगा। देखिए मेरा हाइट है लगभग 6 फीट, तो चलिए चलते हैं अपर बर्थ पे और देखते हैं कि अपर वाला बर्थ कंफर्टेबल है कि नहीं मेरे हाइट के लोगों के लिए। तो ऊपर चढ़ने के लिए आप देखिए यहाँ दिया गया है होल्डर, इसे आपको होल्ड करना है अपने हाथों से। फिर देखिए यहाँ पैर रखना है आपको, इसे पकड़ के ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और फिर इसे पकड़ लीजिए, ऐसे आ जाइए और ऐसे आ जाइए। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपर बर्थ पे, लेकिन ये जो है ना हेडरूम ज्यादा नहीं है। ये ऐसा है ना कि थर्ड एसी में जो नॉर्मल कोच है उसका हेडरूम से थोड़ा सा इसका हेडरूम मुझे कम लग रहा है। और सीट की चौड़ाई तो कम है ही, मैंने आपको पहले बताया, सीट की चौड़ाई थोड़ा सा और रहना चाहिए था, उतना नहीं है वैसे। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका अपर बर्थ है तो भैया आप सोने के लिए ही ऊपर आए, ऊपर आके आप बैठ नहीं सकते, कैसे बैठ सकते हैं आप? देखिए हेडरूम देख रहे हैं उतना नहीं है वैसे। लेकिन अपर बर्थ पे भी देखिए एसी वेंट दिया गया, हमने आपको दिखाया था हर बर्थ पे एसी वेंट दिया गया, ये देखिए यहाँ भी एसी वेंट दिया गया है, बोतल होल्डर यहाँ भी दिया गया है, ये देखिए। तो ये तो काफी अच्छी बात है, देखिए इंटीरियर काफी अच्छा है, फैसिलिटी भी काफी अच्छा मिला है। दिक्कत थोड़ा सा ये है कि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। सीट की चौड़ाई को थोड़ा सा कम किया गया है, लंबाई भी थोड़ा कम किया गया है, तो और वैसे ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है। नया तरह का आपको देखिए बोतल होल्डर मिल गया, एसी वेंट मिल गया, ये नए डिजाइन का एसी वेंट मिल रहा है और चार्जिंग केबल पोर्ट मिल रहा है। तो ये सब चीज जो ऐड किया गया नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन अब क्या कीजिएगा। पहले 72 सीट हुआ करता था थर्ड एसी कोच में, अब बढ़ा के कर दिया गया 83 सीट, मतलब 11 सीट बढ़ाया गया है। तो अब सीट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है स्पेस का तो थोड़ा लोचा होगा ही ना, लेकिन फिर भी इंटीरियर काफी बढ़िया है। तो आप लोगों को कैसी लगी थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का इंटीरियर, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं आप सभी का फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए आप बात करते हैं फेयर की, थर्ड इकोनॉमी क्लास की। जब थर्ड इकोनॉमी क्लास का कोच बन रहा था तो उस वक्त बताया जा रहा था कि स्लीपर कोच और थर्ड एसी का कोच का जितना फेयर होगा उससे बीच में इसका फेयर रखा जाएगा, क्योंकि इसमें स्लीपर का कोच हटाया जाएगा और थर्ड इकोनॉमी क्लास का कोच लगाया जाएगा। तो 2 स्लीपर का कोच हटाया गया तो 2 थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का कोच लगाया गया। स्लीपर का फेयर है 445 रुपीज और थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का फेयर है 1085 रुपीज। अब डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है, देख रहे हैं 2.5 गुना ज़्यादा फेयर लिया जा रहा है। तो आप ही बताइए जो स्लीपर में जर्नी करने वाले हैं लोग, क्या वो इतना पे करके थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में जर्नी करेंगे? मुझे तो लगता है वो नहीं करेंगे। थर्ड एसी का फेयर है कितना, 1175 रुपीज़, सिर्फ
8% कम है थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास और थर्ड एसी के फेयर में, मतलब 90 रुपये का डिफरेंस है। और स्लीपर का फेयर कितना हमने आपको बताया, 445 रुपीज़ डिफरेंस आप देख रहे हैं। स्लीपर में जर्नी करने वाले लोग कैसे जर्नी कर सकते हैं उसमें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शुरू में बताया गया थर्ड एसी और ये स्लीपर के बीच का होगा इसका प्राइस, लेकिन देखिए प्राइस आप देखिए 2.5 गुना ज़्यादा। तो अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुकी है। तो सार्थक बाय, मिलते हैं। देखिए यहाँ पे फीडबैक के लिए एक पेपर दिया गया सभी पैसेंजरों को, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोच का इंटीरियर डिजाइन आपको कैसा लगा, कोच का विद्युत फिटिंग, शौचालय की फिटिंग, कोच की सफाई, ये सब सुझाव वो मांग रहे हैं। तो चलिए अपना फीडबैक इसमें देते हैं, वैसे हमने तो आपको वीडियो में बता ही दिया है। तो देखिए अभी केक कट कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि ट्रेन में भैया क्या कर रहे हैं। तो देखिए आज स्पेशल डे है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने हिट किया है 100 मिलियन व्यूज अपने पूरे चैनल पे ओवरऑल, और ये केक जो है अपने फैमिली मेंबर ही लाए हैं, हर्ष भाई लाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैंने कॉन्ग्रेशन मोनू भाई। तो चलिए केक को कट करते हैं, और 100 मिलियन व्यूज हुआ है, और केक भी कहाँ कट हो रहा है पता है, ट्रेन में अंदर, वो भी थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के अंदर। सबसे पहले ये सीनियर सिटीजन बड़े भैया है, बस आशीर्वाद बनाए रखिए भैया। भाई पूरा आशीर्वाद है, तो नाम ही मेरा गतिमान रखा है यार, तो यूट्यूब का तो गतिमान है, तो ये है कंट्री साइड गाय, पहचानते होंगे इनको भाई। 100 मिलियन और जल्दी 200 मिलियन हो तो फिर एक बड़ा केक कटे जल्दी से, पूरा बर्थ पे आएगा। और चाहूंगा दिल से बोल रहा हूँ, मैं हर चीज दिल से ही करता हूँ, कितने लोगों को बुरा लग जाता है, ठीक है। 200 मिलियन ना, अभी 100 मिलियन क्या है, 200 मिलियन मेरे से बड़ा केक कटेगा ऐसी तरह कोई नई ट्रेन जर्नी में। चलो मुबारक हो बोलो, और ये गतिमान इसका मैंने नाम रखा, जानते हो क्या गतिमान, गतिमान है, ठीक है। और इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान, मोनू थोड़ा कर लो बड़ी चीज कर ले। बहुत बहुत बधाई हो मोनू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बस प्यार बनाए रखो, प्यार और क्या है, क्या दिल तो कर रहा है कि मुझसे क्या कर दिया जाए, अब बयान नहीं किया जा सकता। ये अपने आजाद भाई, शुक्रिया मुनु भाई को 100 मिलियन की बहुत बधाई, हां थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई, बैठना पड़ेगा क्या, करिए एक्सीलेंट भैया, 100 मिलियन, थैंक यू सो मच भाई। भाई यू आर द बेस्ट एंड यू विल बी द बेस्ट, एंड मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी 1 मिलियन करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का प्यार रहेगा सब, बिल्कुल। और जो 1 मिलियन होगा उसकी जो सेलिब्रेशन है वो इस तरह ट्रेन में नहीं होगी, ठीक है, किसी खास जगह पे जाके सब भाई इकट्ठे होंगे, ठीक है, कुछ बवाल करेंगे, सही बोल, लेकिन वो मोमेंट जो होता है जहाँ बोलोगे भाई वहाँ चलेगा। चलिए बहुत बहुत बधाई, जोक्स ऑफ आर्ट बट बिग अपॉर्चुनिटी, ये है और ट्रेन मैन कैंडल के जगह में स्टार भाई, थैंक यू सो मच, 100 मिलियन हुआ, बहुत जल्दी 100,000 मिलियन होगा, अरे बहुत हो गया, अभी तो देखते जाओ, अभी शुरुआत है, 75 वंदे भारत आ रही है, अभी रुक तो देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, 75 वंदे भारत 75 वीडियो दो भाई। तो अब केक खिला रहे हैं अपने को पैसेंजर को, क्या नाम है भैया आपका, बहुत बढ़िया, सोहन सिंह, कहाँ से है, जयपुर से ही, अरे आप उनके कान देखिए, अंदाजा लगाइए ना कहाँ के, अरे लगाइए, अरे यार लगाइए, अरे अरे बिल्कुल आदमी है भाई, समझिए जयपुर से है भाई। और देखिए एक और को पैसेंजर है,
क्या नाम हुआ आपका? दीपा। कहाँ से आप? आगरा से। और देखिए इनका भी आज बर्थडे है तो अब केक यहीं कट हो गया तो इनको भी खिला ही देते हैं। यहाँ क्लैपिंग बनती है। अपना सेलिब्रेशन तो हो गया लेकिन केक बच गया था। तो दीपा जी का भी आज बर्थडे है और टाइम हो रहा है 12:15। तो हमने बोला इन्हें केक कट जो आधा जो बचा हुआ है ना केक आप भी काट लीजिए और अपना बर्थडे भी सेलिब्रेशन ट्रेन में कर लीजिए यूनिक तरीके से। तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपा जी का बर्थडे। तो चलिए Happy birthday to you, happy birthday to you, Deepa, happy birthday to you. Thank you so much. अब देखिए अब क्या हुआ, भाई को केक नहीं मिला सानू भाई को, तो वो क्या किए हैं कि मिठाई लेके आ जाए। इसमें देखते हैं क्या है, पता कैसे चला कि 100 मिलियन हुआ इंस्टाग्राम पे। इससे पहले चेक किया जी, चेक। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पता चला। चलो भाई थैंक यू सो मच। अरे भाई ये तो पेड़ा लग रहा है भाई, ये देखिए तो मथुरा वाले पेड़ा लग रहे हैं, तो लग रहा है मथुरा का पेड़ा है। ट्राई करते हैं। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको एक बहुत बहुत बधाई हो। आपको जगह होगा ना पीछे में, सब सो गए अंकल। क्या बर्थडे है क्या? हाँ बर्थडे नहीं है, मतलब 100 मिलियन हमने क्रॉस किया यूट्यूब पे। थैंक यू थैंक यू। तो जो भी पैसेंजर जगे हुए हैं उनका मैं सोच रहा हूँ कि सभी को देकर ये खत्म किया जाए, लेकिन अधिकतर पैसेंजर सो गए क्योंकि बज रहा है 12:30। सो गए सब, अब सब सो गए हैं, अब देखते हैं सुबह में क्या करना है इसका। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 10 मिनट डिले और अभी टाइम हो रहा है 1:55। और देखिए इस ट्रेन में 13 घंटा की जर्नी है, तो इसमें पेंट्री कोच है, नहीं तो पानी वगैरह आप घर से लेके आइए, खाना वगैरह घर से खा के आइए, नहीं तो जैसे अभी मुझे प्यास लगी है तो पानी, अब मुझे पानी पीने के लिए मुझे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन कवर करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं पानी और साथ ही अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स मिल गया तो वो भी लेते हैं। कितना हुआ? 200 काट लीजिएगा उसी में, ठीक है ना, उसी में काट लीजिए। तो गाइस, तो अब सोते हैं क्योंकि 2 बज चुका है और मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग में जहां भी नींद खुलेगी। तब तक के लिए गुड नाइट। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण का जन्मभूमि मथुरा, जिसका स्टेशन कोड है MTJ
और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट डिले। मथुरा जंक्शन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1904 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1985 में। नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यह 9 प्लेटफॉर्म है और अगर आप मथुरा आते हैं तो यहाँ का फेमस पेरा जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ ही स्टेशन पे यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय। तो चलिए लेते हैं यहाँ से कुल्हड़ वाली चाय। एक दीजिएगा ना? नहीं, एक दीजिएगा। दस दस लेना। हो गया। ये देखिए, ये है मथुरा का फेमस कुल्हड़ वाली चाय। और सामने वाली प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है पटना कोटा एक्सप्रेस। कुल्हड़ वाली चाय को पीने में जो आनंद है ना, वो किसी और चाय में नहीं है। बहुत ही लाजवाब चाय है और देखिए इसी बहाने ना मिट्टी को चूमने का मौका मिल जाता है। एकदम गर्मा गर्म और परफेक्ट कह सकते हैं। हाँ जी, तो अभी अपनी ट्रेन जो है ना अलवर जंक्शन से 1 किलोमीटर पीछे लगी हुई है, आप समझ सकते हैं आउटर पे खड़ी है और ट्रेन 1 घंटा बिफोर है। तो मुझे लगता है ना कि सारा समय आउटर पे ही बीतने वाला है। वैसे देखिए जहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी है पीछे, इधर देखिए ये रेक पॉइंट और पीछे ये माल ट्रेन है, उसमें रखा हुआ है गेहूं और ट्रक में गेहूं लोड होकर यहां से जा रहा है बाहर। भैया लोग इसमें लोड करके यहां से निकलेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ देखिए, ये चीज़ ना हम एक दो बार इससे पहले भी देखे थे। ये देखिए, ये जुगाड़ है भाई, जुगाड़ है, मिनी फ्रिज इसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर पानी है बोतल के अंदर, इसे बोड़ा से ढक दिया गया है और इसे समय समय पर पानी देके भिंगाते हैं ना, पानी ठंडा रहता है ना। ये देखिए मस्त जुगाड़ है भाई, मिनी फ्रिज। इससे पहले भी हमने कई बार देखा था, सोचे आज आप लोगों को दिखा देते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अलवर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है AWR और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 20 मिनट बिफोर। और अलवर जो है ये पड़ता है राजस्थान में। तो अपनी इस ट्रेन जर्नी को अलवर स्टेशन पे ही लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। लेकिन उससे पहले आप सभी को फीडबैक देना होगा 3rd AC इकोनॉमी क्लास का। हमने आपको जो दिखाया 3rd AC कोच इकोनॉमी क्लास, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पर्सनली देखिए, मुझे 2-3 ऐसा फीचर है इस कोच का, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि फुट ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसर हो, चाहे वो AC वेंट हो, चाहे वो केबल वाली चार्जिंग पोर्ट हो। ये 3 ऐसा फीचर है ना जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए स्पेस को लेकर तो इस कोच में काफ़ी पंगा है, अगर आप जर्नी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। स्पेस मतलब हेड रूम कम है, लेग रूम कम है, सीट की चौड़ाई को कम किया गया है, लंबाई को कम किया गया है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, फेयर का भी बहुत बड़ा पंगा है भैया। पहले बताया क्या गया था कि इसका फेयर स्लीपर का 2 कोच हटाया गया और बोला गया स्लीपर के 2 कोच हटा के 3rd AC इकोनॉमी क्लास का कोच लगाया जाएगा। लगाया गया कोच और बताया गया कि इसका फेयर जो है ना 3rd AC और स्लीपर क्लास का जितना फेयर होगा ना, उसके स्लीपर क्लास और 3rd AC का फेयर के बीच में होगा 3rd AC इकोनॉमी क्लास का फेयर। लेकिन इसका फेयर कितना है 1085 रुपीज़ और स्लीपर का वैसे नॉर्मल फेयर कितना है 445 रुपीज़। आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। तो बताया गया कुछ हो रहा है कुछ, और इसी तरह से अब मुझे लगता है आने वाली सभी ट्रेनों में लगा दिया जाएगा, स्लीपर को हटाया जाएगा, लगाया जाएगा 3rd AC इकोनॉमी क्लास का कोच। अब ये बताइए कि स्लीपर में जर्नी करने वाले लोग जो 450 रुपये दे के स्लीपर में जर्नी करते थे, वो फिर कहाँ जाएंगे? इस कोच में तो वो जर्नी नहीं कर सकते ना, क्योंकि फेयर आपने कितना इंक्रीज़ कर दिया।
इसका फेयर कम से कम होना चाहिए था 445 है ना स्लीपर का, उसका फेयर कर देते 700 कर देते 800 कर देते चलता, लेकिन आप तो भाई 1085 अढ़ाई गुना ज़्यादा फेयर आप ले रहे हैं, जो कि मेरे समझ से सही नहीं है। वैसे आप लोग भी ये फेयर के बारे में अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।